Welcome to all you guys. My name is Tanvi Dutt and I'm a registered migration agent. आज मैं जो वीडियो लाई हूँ, it is going to interest all the people जिनके पास 3+ years का experience अपनी occupation में है. Specifically अगर आप किसी trade के student हैं या trade occupation को pursue कर रहे हैं, तो आप या आपके family members अगर वो offshore हैं, उनके पास 3 साल से ज़्यादा का experience है after your qualification, then what you can do इसकी आप अपना स्किल असेसमेंट करा सकते हैं. नॉट यूजुअली यू वुड हैव हर्ड कि अगर आप ट्रेड में हैं तो आपको जॉब रेडी प्रोग्राम के थ्रू अपना स्किल असेसमेंट कराना पड़ेगा. पर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दे डू नॉट रियलाइज कि अगर आपके पास 3+ years का एक्सपीरियंस है, आप अपने ट्रेड में हैं, तो काफ़ी हद तक स्पेसिफिकली अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या देर आर सम कंट्रीज हर ऑक्यूपेशन के हिसाब से है, तो आप अपना 3+ years का एक्सपीरियंस असेस करा के स्किल असेसमेंट भी ले सकते हैं. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप 457 वीज़ा पे हैं या 482 वीज़ा पे हैं, विच इज़ 482 इज़ क्वाइट रीसेंट, बट अगर आप 457 वीज़ा पे हैं और आपके पास 3+ years का एक्सपीरियंस है एज अ कुक या इन द किचन, तो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली गेट योर ऑक्यूपेशन असेस्ड थ्रू द ऑक्यूपेशनल थ्रू द ओवरसीज स्किल असेसमेंट प्रोग्राम. फुल स्किल असेसमेंट जब आपके हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद आप बॉयंस बेस्ड माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. अगर आप 457 पे हैं और आप कुक हैं और आप शेफ हैं और आपको ये श्योर नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर आपको आगे फर्दर एम्प्लॉयर नॉमिनेशन के अंडर पीआर करवाएगा, तो यूजुअली पीपल वुड से कि आप पॉइंट्स बेस्ड माइग्रेशन की तरफ जाइए. पर पॉइंट्स बेस्ड माइग्रेशन के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू वुड नीड वुड बी स्किल असेसमेंट. तो आपको जॉब रेडी प्रोग्राम के थ्रू स्किल असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास 3+ years का एक्सपीरियंस है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं स्किल असेसमेंट प्रोसेस के तरफ जाने के लिए. यू वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव योर एक्सपीरियंस फॉर 3+ years दैट यू विल बी यूजिंग टूवर्ड्स गेटिंग योर स्किल असेसमेंट. तो उसके अंदर आपकी सैलरी के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि आपकी पे स्लिप्स लगेंगी, बैंक स्टेटमेंट्स जाएंगी, ग्रुप सर्टिफिकेट्स जाएंगे, आपका टैक्स डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, आपकी रेफरेंस लेटर जाएगी, आपकी फोटोग्राफ्स जाएंगी, आपके वर्क प्लेस की सारी डिटेल्स जाएंगी. तो उसको हम जब सबमिट करेंगे तो जो भी बॉडी जिससे हम असेसमेंट करवा रहे हैं, लेट्स अज्यूम अगर हम कुक का करा रहे हैं तो 3+ years में विलियम एंग्लर्स के थ्रू अगर हम वो करते हैं, जो कि एक RTO है, वो आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू डेट जो है वो करेंगे. और उस टेक्निकल इंटरव्यू की जो डेट आपको मिलेगी उसके अंदर आपने जाके यू नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द असेसर आपने एक इंटरव्यू देना है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा. तो लेट्स अज्यूम अगर कुक अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कुक में क्या होगा कि क्वेश्चंस लाइक किस तरह के चॉपिंग बोर्ड्स किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, किस फूड का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ओवरसीज हेल्थ सॉरी आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या रेगुलेशंस हैं आपने जो फॉलो करने हैं किचन में. सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे विल बी आस्किंग यू. नाउ दे वुड नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर, कुछ बना के दिखाने को आपको नहीं कहेंगे, पर आपको वर्बली जब वो इंटरव्यू करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन से इंटरव्यू करेंगे कि जिसपे वो असेस कर लेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं है. सो इफ यू हैव जेन्युइनली वर्कड इन योर फील्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए. बट प्लीज मेक श्योर यू ब्रश अप योर स्किल्स बिफोर यू गो फॉर दिस इंटरव्यू. अपने डॉक्यूमेंटेशन हमेशा इन प्लेस रखिए एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करते रहें, क्योंकि स्किल असेसमेंट तो फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद जब हम पॉइंट्स बेस्ड माइग्रेशन की तरफ जाएंगे तो इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव योर प्रोफाइल. आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल इस असेसमेंट के लिए एलिजिबल है, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है जिनकी हम असेसमेंट करवा सकते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक. यू कैन कम सी मी इन माई ऑफिस विच इज़ एट Level 1 290 कॉलिन स्ट्रीट मेलबर्न, दैट्स ऑजीज ग्रुप. एंड आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू विद ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर एंड बिसाइड्स दिस एनी अदर मैटर रिलेटेड टू माइग्रेशन. प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. आप मेरा पेज लाइक करिए ताकि आपको और वीडियोस का अपडेट मिलता रहे. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन सेंड मी योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट्स. आप इसके बाद और कौन से वीडियोस यू वुड लाइक मी टू टेक अप द टॉपिक्स जिसका मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. फॉर नाउ थैंक यू.